नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल टोर्जन मीटर के बारे में। मैकेनिकल टोर्जन मीटर क्या होता है, जिसके थ्रू हम टॉर्क को मापते हैं। तो मैकेनिकल मीन से हम कैसे माप सकते हैं, इसके हम कंपोनेंट देखेंगे और इसकी हम वर्किंग देखेंगे। पहले हम समझते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल को। देखिए, टॉर्क क्या होती है। मान लीजिए अगर आप एक शाफ्ट लें, इस तरह की आपके पास कोई शाफ्ट है और एक तरफ से आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि जो कोई इंजन है उससे कनेक्ट है। और टॉर्क क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। मान लीजिए आगे की साइड आपका इंजन कनेक्ट है, जो कि इस शाफ्ट से कनेक्ट है। जब इंजन वर्किंग करेगा तो इसको घुमाएगा। तो मान लीजिए इसने इसको इस तरह से घुमाया। अब आपने इसको इसके ऊपर कुछ लोड लगा रखा है, तो एकदम से क्या होगा, देखिए वो जो लोड है वो इसके ऊपर इस तरह की फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये ऐसे घूमेगी तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर फोर्स इस तरह से लगेगी, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक ट्विस्ट पैदा हो जाएगा। तो ये जो ट्विस्ट होता है, ये किसके कारण आता है, टॉर्क के कारण आता है। तो अगर हम इस ट्विस्ट को माप लें, यानी कि इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को माप लें जो कि शाफ्ट के ऊपर हुआ है इन दोनों एंड के बीच में, तो हम टॉर्क की वैल्यू को माप सकते हैं। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम अगर माप लें, उसको कैलिब्रेट कर लें इन टर्म्स ऑफ टॉर्क में, तो कैसे हम वो कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास उसके लिए हमने ये फिगर बनाई है। यहाँ पर एक शाफ्ट है जिसको ये यहाँ पर ये लगी है फ्लैंज, ये एक फ्लैंज लगी है, और इसी तरह से दूसरे सिरे पे भी इसके फ्लैंज लगी है। तो दो फ्लैंजेस के बीच में ये शाफ्ट को हम मूव करेंगे, यानी कि रोटेट करेंगे, और उसके साथ ही ये जो ये शाफ्ट है इसको हम लिख देते हैं, ये शाफ्ट है, और यहाँ पे लगे हैं दो ड्रम। अब इस शाफ्ट के साथ दो ड्रम अटैच हैं। ये जो ड्रम है, इस ड्रम के साथ क्या अटैच है, ये है टॉर्क कैलिब्रेटेड स्केल इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर एक स्केल गुदा हुआ है इसके, जो आपका टॉर्क को कैलिब्रेट करेगा। तो स्केल इसके ऊपर लगाया गया है। तो ड्रम विद, आप इसको लिख लीजिए, ए टॉर्क कैलिब्रेटेड स्केल के साथ ये लगा हुआ है। तो कैलिब्रेटेड स्केल इसके ऊपर है, तो टॉर्क कैलिब्रेटेड स्केल आप इसको लिख दीजिए। और जो दूसरा ड्रम है ये किसके साथ है, ये है अटैच पॉइंटर के साथ। तो ड्रम ये विद, आप इसको लिख दीजिए, पॉइंटर के साथ है। तो इस ड्रम पे क्या लगा है, पॉइंटर, और उस ड्रम पे क्या लगा है, एक कैलिब्रेटेड स्केल इसके ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये स्ट्रोबोस्कोप का यूज़ किया गया है। स्ट्रोबोस्कोप का हमने यूज़ पढ़ा था पहले भी, क्या होता है स्ट्रोबोस्कोप, क्या करता है, लाइट को फ्लैश करता है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इस रोटेशन के बराबर हो जाती है तो आपको एक स्टिल इमेज दिखती है, रुकी हुई इमेज दिखती है। वही रोटेशन जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, वही रोटेशन इसकी होती है। तो स्ट्रोबोस्कोप के थ्रू हम रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो आपकी रीडिंग लेने के लिए स्ट्रोबोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, मान लीजिए जो एक सिरा है वो ड्राइविंग है, यानी कि ये ड्राइव करेगा। तो ड्राइविंग सिरा है ये है, और ये जो सिरा है ड्राइवन है, यानी कि यहाँ तक आपको पावर को ट्रांसमिट करना है, या कहें कि इस रोटेशन एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसमिट करना है। लेकिन इसकी लेंथ के कारण क्या होगा, इसके अंदर ट्विस्ट आएगा जो हमने बात की थी, क्योंकि ये भी किसी चीज से कनेक्ट है और ये एकदम से उसको घुमाएगा, तो इन दोनों के बीच में ट्विस्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे दो ड्रम लगाए गए हैं, जब ट्विस्ट आएगा बीच में तो इन दोनों का ट्विस्ट जो है, ये पॉइंटर यानी कि ये जो ड्रम है वो थोड़ा सा अलग, जो रोटेशन होगी इसकी थोड़ी अलग होगी। ये जो पॉइंटर है, जब जैसे ही ये घूमेगा तो ये जो इसकी अलग जो रोटेशन होगी इसकी अलग होगी, और ये जो पॉइंटर है उस स्केल पे आ जाएगा, इसको दिखाएगा कि कितना इनके बीच में डिफरेंस आया है। अब ये जो स्केल है, यानी कि आप टॉर्क को कैसे मेजर कर सकते हैं, स्ट्रोबोस्कोप इस पर फ्लैशिंग करता रहेगा, इसके ऊपर फ्लैशिंग करता रहेगा, लाइट को गिराता रहेगा फटाफट। तो इससे क्या होगा, जो आपकी स्टिल इमेज आपको जहाँ मिलेगी, तो आपको इसके स्केल के ऊपर ये जो पॉइंटर है इसके सामने बिल्कुल दिखेगा, और आप वो रीडिंग नोट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, एक तो क्या रीडिंग थी कि स्टार्टिंग में आपने इसको बिना रोटेट किए इसकी रीडिंग को देखा, फिर जब आपने इसको रोटेट किया तो इनके बीच में जो ट्विस्ट आया, इसके कारण कुछ पॉइंटर मूव होगा, तो उस ट्विस्ट को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं इस कैलिब्रेटेड स्केल की हेल्प से, पॉइंटर और स्ट्रोबोस्कोप की हेल्प से। अब जब आप स्केल को मेजर कर लेंगे, जो हमारा रोटेट हो रहा था ड्रम के साथ, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क ऑफ द शाफ्ट आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए इसको बोलते हैं टॉर्जन मीटर। तो मैकेनिकल टॉर्जन मीटर इस तरह से काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।